एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग सकुशल होंगे। मैं पंकज सिंह आज आपके लिए जो टॉपिक लेके आया हूँ वो रीजनिंग से है। आज का टॉपिक है घड़ी। हम लोग घड़ी के बारे में पढ़ेंगे। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, रीजनिंग में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। हम लोग जो आज पढ़ेंगे उसमें ये 5 पॉइंट हैं। सबसे पहला, घड़ी में घंटे व मिनट की सुइयों के बीच कोण पता करना कि इतने बजकर इतने मिनट पर उनके बीच क्या कोण होगा। दूसरा, घंटे व मिनट की सुइयां कब संपाती, संपाती का अर्थ होता है एक दूसरे के बिल्कुल ठीक ऊपर। घंटे व मिनट की सुइयां कब विपरीत दिशा में होती हैं, बिल्कुल सीधी और एक दूसरे की विपरीत दिशा में कब होती हैं। घंटे व मिनट की सुइयां कब समकोण बनाती हैं। दूसरा लास्ट पॉइंट है ये, घड़ी के जल व दर्पण प्रतिबिंब। अक्सर पूछा जाता है कि किसी घड़ी का जल प्रतिबिंब देखने पर पता चला उसमें 2:40 हो रहा था, तो बताइए घड़ी में वास्तविक समय क्या हो रहा था। यानी कि प्रतिबिंब का समय दिया है तो वास्तविक समय पूछा है, अगर वास्तविक समय है तो प्रतिबिंब का समय पूछा जा सकता है। प्रतिबिंब दो तरह के होते हैं, जल व दर्पण। तो ये सारे पॉइंट हम लोग पढ़ने वाले हैं। इनमें से हम लोग शुरुआत करेंगे पहले पॉइंट से कि घड़ी में घंटे व मिनट की सुइयों के बीच कोण पता करना। तो सबसे पहले कुछ चीज़ें जान लेते हैं जो कि बहुत जानना ज़रूरी है कि पूरा एक चक्कर लगाने में जो कोण घूमा जाता है वो 360 डिग्री है। अर्थात आप समझ गए होंगे कि घंटे वाली जो सुई होती है पूरा एक चक्कर 12 घंटे में लगाती है। घंटे वाली सुई पूरा एक चक्कर 12 घंटे में लगाती है, अर्थात 12 घंटे में वो 360 डिग्री का कोण घूमती है। इसका मतलब यहाँ लिख सकते हैं हम लोग, घंटे वाली सुई घूमती है 12 घंटे में 360 डिग्री। अब 12 घंटे में 360 डिग्री, इसका अर्थ ये हुआ कि एक घंटे में कितना घूमेगी, 30 डिग्री। अब एक घंटे में 30 डिग्री तो पूछ लिया जाए एक मिनट में कितना घूमेगी। तो एक मिनट में आप जानते हो कि एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। अगर 60 मिनट में हम 30 डिग्री घूमते हैं तो इसका अर्थ ये हुआ कि एक मिनट में आधा डिग्री कोण घूमती है। अर्थात घंटे वाली जो सुई होती है वो 12 घंटे में 360 डिग्री कोण घूमती है और एक घंटे में 30 डिग्री और एक मिनट में आधा डिग्री कोण घूमती है। वहीं हम दूसरी तरफ बात करें मिनट वाली सुई की, तो आप जानते हो कि मिनट वाली सुई पूरा एक चक्कर एक घंटे में लगाती है, पूरा एक चक्कर एक घंटे में लगाती है। अर्थात एक घंटे में कितना घूमती है, 360 डिग्री। कौन सी वाली सुई, मिनट वाली, और ये कौन सी है, घंटे वाली। एक घंटे में 360 डिग्री, इसका मतलब ये हुआ एक मिनट में कितना घूमेगी, यानी 6 डिग्री। क्योंकि एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, 60 से अगर इसको भाग दिया जाए तो 6 डिग्री। यहाँ एक और जानने वाली बात है, इनकी सापेक्षिक गति। सापेक्षिक गति का मतलब होता है कि जब दोनों साथ साथ चल रही हों तो एक के सापेक्ष दूसरा कितना कोण घूमेगी। आप मान लीजिए एक मिनट में ये 6 डिग्री घूमती हो, उसी मिनट में आधा डिग्री ये घंटे वाली सुई भी घूम जाएगी। मिनट वाली सुई 6 डिग्री घूमी, वहीं घंटे वाली आधा डिग्री। तो इसका मतलब वास्तविक उनका अंतर कितना हुआ। तो सापेक्षिक गति में 6 डिग्री में से आधा डिग्री माइनस कर दें तो ये आएगा आपका 11/2, अर्थात 5.5। ये सापेक्षिक गति है। कभी कभी पूछ लिए जाती है कि घंटे व मिनट की सुइयों की सापेक्षिक गति क्या होती है, तो 5.5 डिग्री प्रति मिनट, 5.5 डिग्री प्रति मिनट, ये कोणीय गति भी कही जा सकती है। फिलहाल हम लोग
हमारा जो हमें पढ़ना है वो है घड़ी में घंटे व मिनट की सुइयों के बीच कोण पता करना। तो इसका एक बहुत आसान तरीका मैं बताता हूँ, ज़्यादा तरीके नहीं बताऊँगा लंबे चौड़े, सिर्फ आसान तरीका बताता हूँ। इसका तरीका है कुल मिनट और केवल मिनट। ये क्या मतलब है कुल मिनट केवल मिनट, इसको हम लोग समझते हैं। जैसे क्वेश्चन अगर आता है, क्वेश्चन आता है 2:40 पर, 2:40 पर घंटे व मिनट की सुइयों के बीच कितना कोण बनेगा। तो कुल मिनट में टोटल के मिनट बना लो, कुल मिनट में टोटल के मिनट, जैसे 2 मतलब 2 घंटा और ये 40 मिनट, 2 घंटे का मिनट होगा 120 और 120 और 40 हो गया 160। ये कुल मिनट, केवल मिनट में केवल वही लेंगे जो मिनट बोला है 40। इनको आधा करना है, जो कुल मिनट है उसको आधा और केवल मिनट का 6 गुना अर्थात 6 से गुणा, 6 से गुणा कर देना है। इनका आधा करेंगे 80, इनको 6 से गुणा करेंगे 240। अब इनका अंतर लेना है, जो अंतर आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। जो बड़ा है उसमें से छोटे वाले को माइनस कर दो, ये भी हो सकता है ये बड़ा हो और ये भी हो सकता है ये बड़ा हो, तो जो बड़ा है उससे छोटा वाला माइनस कर दो। 240 से अगर 80 माइनस किया जाता है तो यहाँ पर आपका 160 डिग्री आएगा, अर्थात 2:40 पर घंटे व मिनट की सुइयों के बीच 160 डिग्री कोण बनेगा। अब एक बात और जान लेती है कि कभी भी घंटे व मिनट की सुइयों के बीच दो कोण होते हैं। जैसे मैं अगर कहूँ कि 160 डिग्री है तो दूसरा कोण 360 से 160 को माइनस कर देंगे तो 200 डिग्री आएगा। मतलब क्या है, जैसे अगर ये कोण यहाँ पर 160 है तो कोण तो ये भी हुआ और ये टोटल कोण 360 है, तो अगर ये 160 है तो 360 से अगर इसको निकाला जाएगा तो इधर 200 बचा। अब ये बात मैं क्यों बता रहा हूँ, बात ये है कि जब जब आपका आंसर 180 से ऊपर आए, जब जब आपका आंसर 180 से ऊपर आए तो उसको 360 से माइनस कर दीजिए और 360 से माइनस करके जो आपका आंसर आएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम लोग कुछ क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे 3:20 घंटे व मिनट की सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो यहाँ पर भी कुल मिनट केवल मिनट, कुल मिनट में 3 घंटे, 3 घंटे के हो गए 180 मिनट, 180 और 20 कितने हो गए 200 मिनट, और केवल मिनट में 20, इनका आधा अर्थात 100, इनका 6 गुना तो 120। अंतर 120 से 100 माइनस कर दें 20 डिग्री, अर्थात 3:20 पर घंटे व मिनट की सुइयों के बीच जो कोण बनेगा वो 20 डिग्री होगा। 7:40 पर घंटे व मिनट की
सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो यहां पर वही कुलमिनट केबल मिनट, कुल मिनट में 7 बजकर यानी 7 घंटे, 7 घंटे के जो मिनट होंगे वो 420 आएंगे, 420 मिनट और 40, 460 हो गए, केवल मिनट में 40 हो गए, इनका आधा और इनका 6 गुना, तो 6 गुना 240 हो गया। इनका आधा अगर आप करते हो तो यहाँ से देखिए 460 का आधा हो जाएगा 230, इनका अंतर, तो अंतर जो बड़ा उसमें से छोटा माइनस कर दो, 240 और 230 का अंतर 10 डिग्री, यही आंसर हो गया। एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, 12 बजकर 30 मिनट पर घंटे व मिनट की सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो यहां पर ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब भी 12 बजकर बोला जाएगा तो 12 को हम लोग छोड़ देते हैं, 12 बजकर बोला जाए तो 12 को छोड़ देते हैं, कुल मिनट और केबल मिनट दोनों में केवल मिनट ही काम करते हैं। जब भी कोई समय ऐसा आता है कि 12 बजकर इतने मिनट, तो 12 को कैंसिल कर देते हैं, केवल मिनट उठाते हैं, तो कुल मिनट के स्थान पर भी मिनट ही आएंगे और केवल मिनट के स्थान पर भी मिनट आएंगे। इनको आधा करना है और इनको 6 गुना करना है, तो आधा कितना हुआ 15 और 6 गुना हुआ 180, और इनका अगर अंतर लिया जाए तो अंतर आएगा 165 डिग्री, अर्थात 12 बजकर 30 मिनट पर घंटे व मिनट की सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण होगा, तो 165 डिग्री। तो इस तरह से हम लोग किसी समय पर घंटे व मिनट की सुइयों के बीच का कोण पता करते हैं। अब हम लोग दूसरा टॉपिक देखते हैं, कब घंटे व मिनट की सुइयां समपाती होती हैं। समपाती का अर्थ है एक दूसरे को ढक लेना। अगर घंटे व मिनट की सुइयां एक दूसरे को ढक लेती हैं तो हम कहते हैं वो एक दूसरे के समपाती हैं। ऐसी स्थिति में उनके बीच का जो कोण होता है वो 0 डिग्री होता है। एक घंटे में एक बार संपाती होती हैं, एक घंटे में एक बार, 12 घंटे में 11 बार एक दूसरे के संपाती होती हैं, दूसरा 24 घंटे में 22 बार। अब प्रश्न ये उठता है कि भाई एक घंटे में एक बार तो 12 घंटे में 12 बार होना चाहिए, लेकिन 11 बार क्यों होते हैं। तो यहां पर समझते हैं कि 11 से लेकर 1 के बीच में केवल और केवल एक बार संपाति होती हैं, वो भी केवल 12 बजे। 11 और बीच 12 के बीच के किसी समय पर संपाति नहीं होती है, 12 और 1 के बीच के किसी समय पर संपाति नहीं होती है, केवल और केवल 12 बजे संपाति होती है। तो इसका मतलब 11 से लेकर 1 तक यानी 2 घंटे में एक बार संपाति होती है, और जो बचे हुए 10 घंटे होते हैं
उनमें प्रत्येक एक घंटे में एक बार संपाति होती है, 11 से 1 के बीच में 2 घंटे में एक बार संपाति होती है, और जो बचे हुए 10 घंटे हैं उनमें प्रत्येक एक घंटे में एक बार संपाति होती है। तो इसका मतलब 1 और 10 11 बार एक दूसरे के संपाति होती हैं। अगर प्रश्न आता है तो इनको कैसे सॉल्व करेंगे, प्रश्न आता कैसे है देखिए, जैसे पूछा जाए 2 बजकर सॉरी ये पूछा जाता है कि 2 बार 3 के बीच कब घंटे व मिनट की सुइयां एक दूसरे के संपाती होंगी, 2 व 3 के बीच कब घंटे व मिनट की सुइयां एक दूसरे के संपाती होंगी। तो इसका आंसर इस तरह आता है, जैसे 2 बजकर पहला समय, पूरा आंसर पहले वाले समय से ही बनाया जाता है, तो यहाँ 2 व 3 का तो 2 बजकर कुछ मिनट होंगे, तो वो कुछ मिनट कैसे पता करते हैं, जो पहला समय है इसके मिनट बना लो, तो ये 2 घंटा है और 2 घंटे के मिनट होंगे 120, 2 घंटे के मिनट होंगे 120, और 120 को अगर 11 से भाग दिया जाए तो 11 एकम 11, यहाँ 10 बचा, बार लगाना दिया सिपर, तो ये हो जाएगा आपका, ये ऊपर लिखा जाएगा, ये नीचे और ये सही में, इसका मतलब हुआ 10 सही 10 बटे 11 मिनट पर, 2 बजकर 10 सही 10 बटे 11 मिनट पर एक दूसरे के संपाति होंगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैसे 4 व 5 के बीच कब घंटे व मिनट की सुइयां संपाती होंगी। तो देखिए पहला समय कौन सा है, 4, तो 4 बजकर, अब मिनट चाहिए तो पहले समय से ही मिनट बनाए जाएंगे, जो पहला समय 4 है, 4 घंटे के मिनट बनाइए, तो 4 घंटे के 240 मिनट हो गए। अब 240 मिनट को हम लोग 11 से भाग करेंगे, 11 दूनी हो गया 22, और यहाँ बचा 2 बचा, 0 उतारा 20 हो गया, 11 एकम 11, तो यहाँ पर बचेगा आपका 9, यहाँ 9 आएगा, तो इसका मतलब ये ऊपर ये नीचे ये 21, ये हो जाएगा 21 सही 9 बटे 11 मिनट पर, अर्थात 4 बजकर 21 सही 9 बटा 11 मिनट पर एक दूसरे के संपाति होंगे। एक क्वेश्चन और लेते हैं, 6 व 7 के बीच कब एक दूसरे के संपाति होंगे, 6 व 7 के बीच कब एक दूसरे के संपाति होंगे। तो यहां पर देखिए पहला समय है 6, तो 6 बजकर, अब पहले समय के ही मिनट बनाओ, तो 6 घंटे के मिनट बनाएंगे तो 6 गुणा 60 अर्थात 360 आएगा, तो 360 को हम लोग 11 से भाग कर दें, 11 3 33, 3 बचा 0 हो गया, 11 2 22, यहाँ 8 बचेगा, तो इसका मतलब 32 सही, ये वाला सही में लिखा जाता है ये ऊपर, 8 बटे 11 मिनट, अर्थात 6 बजकर 32 सही 8 बटे 11 मिनट पर एक दूसरे के संपाति होंगे। तो किसी दिए गए समय अंतराल में कब संपाति होंगी, हम लोग क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करते हैं। हम लोग अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं कि कब घंटे व मिनट की सुइयां विपरीत दिश होती हैं। विपरीत दिश का मतलब है एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत, अर्थात अगर एक सुई की दिशा ऊपर की ओर है तो एक सुई की दिशा नीचे की ओर, अर्थात उनके बीच का कोण 180 डिग्री हो, दोनों हो एक सीधी रेखा बना रही हो तथा तो उनके बीच का कोण 180 डिग्री। जब घंटे व मिनट की सुइयां एक दूसरे के विपरीत होती हैं तो उनके बीच का कोण 180 डिग्री होता है। ये एक घंटे में एक बार एक दूसरे के विपरीत होती हैं, 12 घंटे में 11 बार एक दूसरे के विपरीत होती हैं,
24 घंटे में 22 बार। क्वेश्चन फिर वही है कि एक घंटे में एक बार, तो 12 घंटे में 11 बार क्यों? इसका मतलब 12 घंटे में 12 होना चाहिए था लेकिन 11 क्यों? तो इसको समझ लीजिए, प्रत्येक एक घंटे में वो एक बार एक दूसरे के विपरीत होती हैं, लेकिन 5 बजे से लेकर 7 बजे तक केवल और केवल करेक्ट 6 बजे एक दूसरे के विपरीत होती हैं। अर्थात इन 2 घंटे में, 5 से लेकर 7 तक 2 घंटे में केवल एक बार एक दूसरे के विपरीत होती हैं, ना 5 और 6 के बीच के किसी समय पर विपरीत होती हैं, ना 6 व 7 के बीच के किसी समय पर एक दूसरे के विपरीत होती हैं। तो 2 घंटे में केवल एक बार, 2 घंटे में केवल एक बार, और बचे हुए 10 घंटे में प्रत्येक 1 घंटे में एक बार एक दूसरे के विपरीत होती हैं। अर्थात इसका मतलब कि कुल कितने? 11 बार एक दूसरे के विपरीत होते हैं। अब प्रश्न कैसे आता है तो हम देख लेते हैं। जैसे कोई पूछ सकता है कि 12 बार 1 के बीच कब घंटे व घंटे व मिनट की सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी? एक दूसरे के विपरीत होंगी तो इसको देख लेते हैं। ध्यान रखिए कि पहला समय, जैसे सबसे पहले पहला समय से आंसर आता है 12 बजकर, अब आगे कुछ मिनट आएंगे तो कुछ मिनट निकालने का तरीका समझिए। चाहो तो आप नोट कर सकते हो अपनी कॉपी पर कि पहला समय अगर 6 से बड़ा है तो 6 माइनस करना है। बड़ा होने पर 6 माइनस किया जाएगा और 6 से छोटा होने पर 6 जोड़ दिया जाएगा, क्योंकि 12 जो है वो 6 से बड़ा है। 12 6 से बड़ा है इसलिए 12 में से 6 माइनस कर दो। 12 में से अगर 6 माइनस कर देंगे बचेगा 6, और 6 के 12 में से हम लोग 6 माइनस करेंगे 6, और 6 बराबर हमारा आएगा 360 मिनट। इस 360 मिनट को हम लोग 11 से भाग कर देंगे। देखो 11 3 33 और यहाँ पर 3 और 0 11 2 22 बचेगा 8, अर्थात 32 सही 8/11 मिनट पर एक दूसरे के विपरीत होंगी। एक क्वेश्चन और लेते हैं, 7 व 8 के बीच कब घंटे व मिनट की सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी? घंटे व मिनट की सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी। तो देखिए यहां पर इसमें भी पहला समय 7 बजकर, मैंने अभी बताया था कि अगर पहला वाला समय 6 से बड़ा है तो 7 माइनस 6 बराबर 1, और 1 घंटे के मिनट बनाएंगे तो आएंगे 60, और 60 को हम लोग 11 से भाग कर दें, 11 5 55 और यहाँ बचा 5, तो ये आ जाएगा 5 सही 5/11 मिनट। एक दूसरा क्वेश्चन और लेते हैं, जैसे 2 व 3 के बीच कब घंटे व मिनट की सुइयां एक दूसरे के संपाति होंगी? तो यहां देखिए 2 व 3 के बीच कब घंटे व सॉरी एक दूसरे के विपरीत होंगी, विपरीत होंगी। तो इसमें पहला समय जैसे 2 बजकर, अब मिनट चाहिए हमें, तो पहला वाला समय देखिए, क्योंकि ये पहला वाला समय जो 2 है
वो 6 से छोटा है तो इसमें 6 जोड़ दें। यहाँ पर 6 से बड़ा था तो 6 कम कर दिया, ये 6 से छोटा है तो इसमें 6 जोड़ दें 8। और 8 घंटे के अगर मिनट बनाए जाएंगे इसमें 60 से गुणा करके तो 480 आएगा। इस 480 को हम लोग 11 से भाग कर दें, 11 चौक 44 या 4 बचा 0, फिर 11 तिया 33 आएगा, बचेगा 7। इसका मतलब ये आएगा 43 सही 7/11 मिनट, अर्थात 2:43 सही 7/11 मिनट पर एक दूसरे के विपरीत होंगी। तो किसी समय अंतराल में घंटे व मिनट की सुइयां कैसे किस समय पर एक दूसरे के विपरीत होती हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग ऐसे सॉल्व करते हैं। इसके बचे हुए जो दो पार्ट रह गए, एक तो लंबवत होने की कंडीशन यानी समकोण वाली कंडीशन, और दूसरी है आपके इनके प्रतिबिंब, घड़ी के प्रतिबिंब जल व दर्पण वाले, तो उन दोनों टॉपिक को हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें व दूसरे वीडियो को ज़रूर देखें। धन्यवाद।